स्वागत है आपका अंधेरा के एक और एपिसोड में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। हमारी संस्कृति में मेलों का बड़ा महत्व है। पारंपरिक साज सजावट और लोगों की गहमा गहमी इन मेलों की रौनक में चार चांद लगा देती है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर किसी मेले में इंसानों की जगह चुड़ैले घूमने आती हो तो कैसा होगा। अंधेरा में आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं उत्तराखंड के विकास नगर में, जहां जौनसार बावर जगह के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ चुड़ैलों का मेला लगा करता था। वो यहाँ रुकती थी, नाच गाने होते थे और उनकी पसंद के खाने भी बनते थे। डर और दहशत किस हद तक अपना असर लोगों की जिंदगी पर छोड़ता है, इसकी मिसाल मिलती है उत्तराखंड के शहर विकास नगर के अंतर्गत आने वाले जौनसार बावर में। जौनसार बावर अपनी अनूठी लोक संस्कृति और किस्से कहानियों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ से जो सबसे बड़ी बात जुड़ी हुई है वो अपने आप में अजीब तो है ही, साथ ही इसमें डर का भरपूर मिश्रण है। यहाँ का एक गांव है जिसे घिटिया थात के नाम से जाना जाता है। घिटिया थात यहाँ के लोगों के मुताबिक एक ऐसी जगह है जहाँ डर हवा के झोंकों के साथ रहता है। जौनसार बावर से घिटिया थाट जाने में तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन ये रास्ता उस वक्त और भी लंबा हो जाता है जब इसे अकेले तय करना हो। घिटिया थाट के बारे में मशहूर है कि वहाँ पर डंकन थाट यानी डाका अड्डा है, जहाँ कभी डायनों का मेला लगा करता था और वहाँ आज भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। जानते तो है, पुराने जमाने की बात है जी, ये तो हम जाने के लिए राजी नहीं है। वहाँ पे डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। दुनिया से पता नहीं कौन कौन से दुनिया से डायन आती है वहाँ पे। अगस्त में ये मेला लगता है उनका, उस मेले में पूरी डाइन इकट्ठी होती है जी रात को। और हमारे यहाँ एक तैयार होता है उस दिन, तो उस दिन उनका मेला लगता है जी वहाँ पे। कालसी तहसील के बोहा गांव की घिटिया थात नाम की इस जगह का 20 अगस्त से बहुत बड़ा जुड़ाव है। यही वो तारीख है जिस पर यहाँ आज भी डर और खौफ पसरा रहता है। लोग घरों से नहीं निकलते और घिटिया थात की उस जगह पर जाने का तो विचार भी मन में नहीं लाते, जहाँ डायनों का अड्डा होना माना जाता है। 20 गत भादो यानी 20 अगस्त को आज से कई सौ साल पहले यहाँ ऐसा होता था जो सुनकर एकदम अजीब लगता है, और इतना अजीब कि दिमाग उसे मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। लेकिन आज की पीढ़ी से भी बात करो तो उन तक इस जगह का डर किस्से कहानियों के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उन कई सौ सालों से लगातार चला आ रहा है। लोग कहते हैं कि घिटिया थात में डायनों का मेला लगता था। 20 गत भादों को यहाँ डायन इकट्ठा होकर मेला लगाती थी, जिसमें पूरे देश की डायने हिस्सा लेती थी। ये मेला भी इंसानों के मेले जैसा ही होता था। वहाँ कभी कोई गया तो नहीं, लेकिन मेले में खूब नाच गाना होता था जिसमें डायने संगीत की धुनों पर नाचा करती थी। वहाँ के लिए डाक जाने कहते थे, यहाँ मेला लगता था। बूढ़ो के पहले जमाने की बात है जी, तो उसका हमने भी सुना कि वहाँ मेला लगता था और सारी डकनी इकट्ठी होती थी। वहाँ जितनी देश की होती थी, पूरे देश की होती थी इकट्ठी। कब किस दिन इकट्ठी होती थी? ये 20 को थे अगस्त में, बाद तो उस दौरान क्या गांव वाले कभी वहाँ जाते थे? क्या माहौल था? वो वहाँ बुआ नजदीक बुआ उनकी छानो है वहाँ, वही देखते थे ज्यादा कि वहाँ का मामला हो, कि ऐसा सब मामला होता था, भया रहता था, क्योंकि वो आज खतरा रहती है गांव में भी, सोचते थे खतरा रहती है घर वहाँ ना आ जाएंगे, हमारे घर में किसी के घर में भी ना आ जाए। इस जगह डायनो का मेला पूरी रात चलता था, जिसमें पूरे देश से आकर डायने यहाँ रुकती थी। यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं होती, लेकिन समाचार प्लस घिटिया थात की उस जगह पर पहुँचा जहाँ डायनो का अड्डा हुआ करता था। 20 अगस्त को लगने वाले मेले में ये पूरी जगह भरी रहती थी। आज भी गौर से देखने पर यहाँ पड़े खंडर
इस बात का इशारा करते हैं जिससे यहाँ डायनो के अस्तित्व की बात में सच्चाई सी नजर आने लगती है। पत्थरों पर पैरों के निशान आज भी ढूंढने से मिल जाते हैं। लोगों से बात करने पर वो यही बताते हैं कि यहाँ जब डायन रुकती थी तो नाच गाने के साथ यहाँ खाना भी बना करता था, जिसके लिए चूल्हे बनाए जाते थे और साथ ही खाना बनाने के लिए दूसरे साजो सामान भी होते थे, जिनमें से कुछ आज मिल भी जाते हैं। पत्थरों की बनावट भी ऐसा इशारा करती है कि कभी इनको किसी खास मकसद के लिए एक जगह लगाया होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कई सौ साल पुराने एक डर का खौफ इतना है कि आज तक यहाँ कोई नहीं आया और ये जगह आज भी एक वीराने की तरह पड़ी हुई है। दूर दूर तक यहाँ कोई नजर नहीं आता। एक पौराणिक परंपरा टाइप की रही है, बुजुर्ग लोग कहते थे जब हम लोग बच्चे होते थे कि 20 गते भादों को वहाँ एक उनका मेला लगता था गिरिधाम में। ऐसा युवाओं का मानना तो ये है कि शायद ये चीज़ें पहले तो रही होगी, क्योंकि गिरिधाम में डायनों का एक मेला आयोजित होना और वहाँ पे उस तरह के कोई निशान भी पाए जाने, उनका वहाँ पे जो रहने खाने का नाचने गाने का जो तरीका था उसके जिक्र बार बार होता था, तो ये एक अंधविश्वास भी कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो सत्यता थी कि जौनसर बावर में ये भूत प्रेत डाक डायन इस टाइप का अस्तित्व रहा भी, टूने टोटके बहुत से चीजें ऐसी है जो जौनसर बावर में आज भी अस्तित्व में है। घिटिया थात में मौजूद पत्थरों में गड़ी हुई निशानियां किस चीज की है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि मौजूदा पीढ़ी में से शायद ही कोई वहां गया होगा। आज तक जितनी भी किस्से कहानियां हैं वो बस सुने हुए ही हैं। यहाँ किसी ने आकर कभी कुछ नहीं देखा, लेकिन यहाँ आने के बाद वो निशानात जरूर नजर आते हैं जिनका जिक्र लोगों को उनके पुरखों से सुनने को मिला है। यहाँ आने के बाद तो ये लगता है कि इस जगह पर कभी कुछ हुआ तो होगा। अब वो डायन का मेला था या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। 20 गत भादो यानी कि 20 अगस्त को जौनसर बावर चुड़ैलों से भरा रहता था। चुड़ैले तो इन दिनों बहुत मौज मस्ती किया करती थी, लेकिन इस इलाके के पास बसे पूरे पूरे गांव खौफ और डर के आगोश में चले जाया करते थे। लोग घरों में कैद रहते थे और दहशत की वजह से उनमें खिड़की खोलने की जरूरत तक नहीं होती थी। बात अगर उस समय की जाए तो डायनो का डर इस जगह के एक एक व्यक्ति पर हावी था। उन दिनों किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि कभी यहाँ इस जगह पर आकर हकीकत जानने की कोशिश करें। और 20 अगस्त आते ही तो लोग अपने घरों में कैद हो जाया करते थे और डर इतना होता था कि कोई अपनी खिड़की से बाहर जागने की हिम्मत भी नहीं करता था। जो बातें यहाँ के लोग करते हैं उनके मुताबिक मेले में डायनों के होने की आवाजें लोगों के घरों तक आती थी। उनकी आवाज से लोग बेहद डरते थे और डर की हालत आज भी वही है। यहाँ ऊपर आने के बाद जिस तरह से पत्थरों पर पुरानी आकृतियाँ नजर आती हैं, वो लोगों की बातों से आज भी मेल खाती है। सालों बीत गए लेकिन यहाँ आकर कुछ जानने या देखने की हिम्मत किसी में नहीं है। 20 अगस्त को लेकर डर आज भी वैसा ही है और लोग इस दिन अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। आसपास के कई गांव हैं जो डायनो के डर से आज भी डरते हैं। बताते सभी एक बात है कि यहाँ डायनो का मेला लगता था, लेकिन अगर डर की बात करें तो ये आज भी उतना ही है जितना उस समय रहता था। सुनने में आया बुजुर्गों ने इसलिए हमें कई चीजों के बारे में बताया कि एक डर जिसको बताते हैं लोगों के अंदर था वहाँ पर, तो मैंने खुद भी देखा वहाँ पर जो पत्थर और तीर के निशान वहाँ पर अभी मिलते हैं, तो लोगों के दिमाग में ये बातें हैं वहाँ की, अभी लोग नहीं जाते वहाँ पर। एक परियों का भी मैं मानते लोग परियों के बारे में मानते हैं वहाँ पर, लोग परियों के बारे में कुछ इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। तो लोग खासतौर से भादों को जो 20 अगस्त जो होता है उसमें उस दिन तो लोग घर से बाहर भी निकलते हैं, वो आज भी मतलब देखने को मिलता है। बड़े बुजुर्ग लोग तो बिल्कुल ही, लड़के तो शायद परवाह ना करें लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग अभी घर से बाहर निकलते नहीं है। उधर खेती भी नहीं करते लोग, डर खेती भी लोग नहीं करते डर के मारे। लोगों के दिमाग में है कि पता नहीं कुछ ऐसी दैविक शक्तियाँ यहाँ पर, या मेला लगता है, मेले के लिए भी लोग मानते कि मेला भी लगता था 20 अगस्त को, 20 गते मानते हमारे यहाँ भादो, तो उस दिन लोग मानते, उस दिन घर से ही बाहर नहीं निकलते थे। मैं तो उसको परियों का मेला मानता हूँ, लेकिन लोगों का मानना है कि यहाँ तरह भूत प्रेत इस तरह की कुछ दैविक शक्तियाँ वहाँ पर रहती थी।
जौनसार बावर की घिटिया थात में आने के बाद एक डरावने वीराने से सामना तो होता ही है। यहाँ कुछ इस तरह की निशानियाँ भी मिलती हैं, जो लोगों से सुनने वाले किस्से कहानियों को कुछ वजन तो देती ही है। यहाँ डायनो का मेला लगता था या नहीं, ये सुनने में जितना अजीब है उतना ही यकीन करने में मुश्किल। लेकिन इस जगह को लेकर लोगों में डर है या नहीं, यहाँ आकर इस बात का पता तो चल ही जाता है। और लोगों में डर है, ये बात 16 आने से ही है। बात चल रही है जौनसार बावर में लगने वाले चुड़ैलों के मेले की। पुरानी कहानियां तो यही इशारा करती हैं कि चुड़ैलों के अड्डे डंकन थात को लेकर यहां खौफ और डर का माहौल रहता था। 20 गत भादो को चुड़ैलों के गाने बजाने की आवाजें लोगों के घरों तक आती थी। लोगों से बात करने पर एक और बात निकलकर सामने आई कि इस मेले में चुड़ैले खास तरह की तांत्रिक क्रिया भी किया करती थी। डायनो के अस्तित्व को लेकर स्थानीय लोगों की राय एक समान है, लेकिन इस मेले से जुड़ी कई ऐसी भी बातें सुनने को मिली जिनसे ये पता चलता है कि घिटिया थात में जहाँ डायने एक दूसरे से मिलती थी, नाच गाना करती थी और मौज मस्ती भी करती थी, लेकिन उनका यहाँ आकर 20 अगस्त को इकट्ठा होना तांत्रिक सिद्धि की तरफ भी इशारा करता है। यहाँ लोगों की बातों से ये आभास भी होता है कि डायने यहाँ आकर तांत्रिक क्रिया भी करती थी। वो पूरे साल इस विशेष दिन का इंतजार करती थी और 20 गत भादो को डंकन थात आकर तांत्रिक क्रिया से पहले जादू जैसे काम पूरे करती थी। यहाँ तांत्रिक क्रिया बड़े पैमाने पर होती थी क्योंकि डायने बड़ी संख्या में यहाँ जुटती थी। यहाँ डायने तांत्रिक क्रिया से अपने काम बनाया करती थी और दूसरों के काम बिगाड़ा करती थी। कहा यह भी जाता है कि यहाँ तांत्रिक क्रिया सिर्फ जादू के लिए ही नहीं होती थी, बल्कि यहाँ तंत्र मंत्र आगे सिखाया भी जाता था। कुछ तो ये भी कहते हैं कि डायने कुछ महिलाओं को वहाँ सिद्धि सिखाने के लिए ले जाया करती थी और उन्हें वहाँ रखकर तांत्रिक सिद्धि सिखाया करती थी। जैसे ही भादो का महीना आता था तो 20 गते आने से पहले ही ये चर्चाएं हो जाती थी। दूसरी बात, 20 गते को जैसा लोगों का मानना है, बुजुर्ग कहते थे कि 20 गते भादो को वहाँ पे नाचने की आवाज, ढोल ढाल की आवाज, इस तरह से नाचने खेलने की सारी आवाजें आती थी और लोग उधर के घिट्टी के तरफ 20 गते के जाने को लोग डरते भी थे, कतराते भी थे। जो आस पास के गाँव है वो लोग उनसे उनका कहना था कि भाई 20 गते में बड़ा जश्न का सा माहौल होता था घिट्टी थात में और रात भर वहाँ ऐसी आवाजें आती थी ढोलों की, दमों की, इतराने की, महिलाओं के इतराने की, नाचने की। तो उनका जश्न का मेला था, आपस में जश्न, एक दूसरे को मिलना झुलना उनका रहा होगा, ऐसा मानना है लोगों का। उस जगह का नाम है जी घेटिया था, तो पुराने जमाने का नाम है जी डकन था। क्या क्या चीजें आज है वहाँ पर? आज भी जी वहाँ पे देखने की चीजें बहुत सारी है जो उनके निशान आज भी है। डायनो के निशान, किस तरह के निशान है जी? जैसे चूल्हे है उनके और वो ओखली है, इस तरह के स्थान है जो आज भी वहाँ देखने को मिलते हैं। समय के साथ घिटिया थात में डंकन थात यानी भूतों के अड्डे को लेकर ये धारणा अब कम होने लगी है कि अब वहाँ भूतों का मेला लगता होगा। युवाओं से बात करने पर इस बात का एहसास हो जाता है कि समय के साथ मेले को लेकर लोगों का यकीन कम हुआ है। बात करने पर बड़ी संख्या में ऐसे युवा मिले जो ये कहते थे कि उन्हें नहीं लगता कि अब भी वहाँ उस तरह का मेला लगता होगा जैसा वो अपने बुजुर्गों से और उनके बुजुर्ग अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन डर की भावना यहाँ अभी भी है। किसी का आज तक किसी डायन से सामना नहीं हुआ है, लेकिन डर और खौफ युवाओं पर भी है। आज भी यहाँ इन डायनों का डर है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब समाचार प्लस की टीम ने यहाँ से किसी को साथ लेना चाहा तो कोई भी जाने को तैयार नहीं था। इस इलाके के लोग आज भी इस जगह से दूरी बनाए रखने में ही समझदारी समझते हैं। और ये बात भी सही है कि यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ आने के बाद पुराने डंकन थात की निशानियाँ तो मिल जाती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगता कि आसपास के गांव से यहाँ कभी कोई आया होगा। यहाँ की किसी भी जगह को देखकर कभी नहीं लगता कि सालों से यहाँ कोई आया होगा।
डायनो की हम बात करें तो एक जौनसार बावर में के गेटिया थाट नाम की जो जगह थी जहां पर डायनो का मेला लगता था, पूरी देश प्रदेश की जो है डायनी यहाँ इकट्ठी हुआ करती थी जिनका मेला जो है गेटिया थाट में लगता था, जिसको हम एक डंकन थाट के नाम से भी जानते थे। पूरे जौनसार बावर में कहीं ना कहीं डायनो का एक डर था और बुजुर्गों के मुताबिक जौनसार बावर में यदि हम बात करते तो आज भी उन डायनो का डर देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम गेटिया थाट में ही बात करें तो गेटिया थाट में कहीं ना कहीं उनके अवशेष आज भी है। जैसे हमने देखा कभी हम गए थे वहां तो ओखली वगैरह उनके खंडर है वहां आज भी है, वो हमने को हमको देखने को मिला है। लेकिन ये जो डायने हुआ करते इसका डर तो आज भी हमारे दिलों में है। हम जो 20 गते की बात करते हैं, 20 गते उनका एक मेला होता था, वहाँ नाच गाना उनका जो भी हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं आज भी जौनसार का आदमी जो है उसका डर जो देखने को मिलता है वो आज भी देखने को मिलता है हमारे दिल में। गेटिया थाट में कभी लगने वाले डायनो के मेले या स्थानीय भाषा में कहें तो डंकन थाट का डर इतना ज्यादा यहाँ के लोगों पर है कि यहाँ कोई आकर सालों से पड़ी जमीन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता। इस इलाके में कई परिवार ऐसे हैं जो खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी उनके दिमाग में ये ख्याल तक नहीं आया कि ऊपर सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर जाकर खेती बाड़ी करें या अगर वहाँ इस तरह की जमीन है तो उस पर कुछ उगाया जाए। यहाँ दूर तक जगह खाली और वीरान है। इस जगह के आसपास के लोग यहाँ खेती करने को भी राजी नहीं है और ना ही थे। जगह का डर समय के साथ कम होता जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है, क्योंकि कुछ लोगों में तो आज भी वैसा ही डर है। अगर खेती की बात छोड़ भी दें तो एक और बात है जिससे इस जगह का खौफ नजर आता है, वो बात यह है कि लोग अपने जानवरों को भी इस तरफ कभी नहीं हाँकते। वो नहीं चाहते कि उनके जानवर चरने के लिए डंकन थाट की तरफ जाएं। यानी लोग खुद तो दूर रहते ही हैं, साथ ही वो अपने जानवरों को भी इस जगह आने से रोकते हैं। उस जगह के आसपास भी लोग वहाँ डरते हैं, चाहते नहीं है। हाँ, गेटिया थाट एक ऐसी जगह है, हम यदि आपको बात करें यदि आप कभी वहाँ जाएं, गेटिया थाट में एक ऐसी जगह है आसपास तो क्या आसपास की जो खेती वगैरह सब बंजर लोगों ने छोड़ दिया, वहाँ पशु तक जो आज नहीं जाता है क्योंकि उसका डर आज भी है। क्योंकि जो 20 गते की बात है वहाँ नाच गाना डायनो का चलता था, वो डर हमारे दिल में नहीं बल्कि हमारे पूरे क्षेत्र में जो है उसका डर आज भी है। वहाँ पे कुछ खंडर भी है जो उनके कुछ आवास टाइप का या कुछ होगा, लेकिन वहाँ पे पाँव के निशान और उनके जो खेलने कूदने का स्थान था वो ओखली वगैरह इस टाइप के निशान आज भी है। और मेरा ये मानना है कि युवा, आज का युवा तो नहीं मानता है लेकिन बुजुर्ग इसको बहुत मानते थे कि यार डाक डायन होती है और उनका एक मेला गेटिया थाट में लगता है, बोवा के पास वो जगह है और बहुत प्रचलित जगह है, वहाँ पे बिल्कुल 20 गते भादों को बहुत ज्यादा जश्न के साथ ये इनका डायनों का मेला लगता था। इस समय गाँव में चुड़ैलों के मेलों को लेकर भ्रांति कुछ कम तो जरूर हुई है, लेकिन इसका असर यहाँ के निवासियों के चेहरों पर आज भी पढ़ा जा सकता है। उनमें डर बराबर बना हुआ है। जिस जगह को लेकर डर है वो जगह आज भी वीरान पड़ी है और यहाँ कोई जाने को तैयार ही नहीं होता। लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि कई सौ सालों से गांव का कोई आदमी इस जगह पर नहीं गया और वजह वही है, चुड़ैलों का डर। तो चुड़ैलों के डर से इस जगह पर सन्नाटा पसरा है आज भी। यहाँ कोई जाना तो दूर, लोग इसके पास से गुजरना भी पसंद नहीं करते, खौफ खाते हैं। कहा जाता है कि यहां से गाने बजाने की आवाजें आया करती थी सालों पहले, और क्या कुछ बातें हुआ करती थी, क्या कुछ क्रियाएं की जाती थी, तांत्रिक क्रियाएं, उनके बारे में भी लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अगस्त का महीना हर साल इस गांव के लोगों के लिए परेशानियों भरा रहता है, क्योंकि 20 गत भादो यानी 20 अगस्त को ही यहाँ मेला लगा करता था। उस मेले में चुड़ैले इकट्ठा हुआ करती थी, वो यहाँ रुककर अपनी तांत्रिक सिद्धि के लिए न जाने क्या क्या करती थी। संगीत के साथ उनके नाचने और गाने की आवाज यहाँ के गांव वालों की रातों की नींद उड़ा दिया करती थी। लोग तब से लेकर आज तक अगस्त के महीने में खास एहतियात बरतते हैं। बच्चों को तो शाम के वक्त घर से निकलने ही नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये खौफ सिर्फ बच्चों तक ही सीमित रहता है, यहाँ युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी डरे सहमे रहते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि 20 गत भादों पर यहाँ ऐसा माहौल बन जाता है कि हर कोई अपने घरों में दुबके रहना ही पसंद करता है। इस दौरान कोई चुड़ैलों की बात तक नहीं करता।
क्योंकि यहाँ की मौजूदा पीढ़ी बचपन से इन कहानियों को सुनती आ रही है, तो बचपन का बैठा हुआ डर उनमें आज भी देखने को मिल जाता है। हालांकि वक्त के साथ लोगों की समझ बढ़ी है, लेकिन यहाँ डर आज भी बना हुआ है। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हमें बताते थे कि एक यहाँ गिटिया थात नामक एक जगह है, और जहाँ 20 अगस्त को जो है डायने जाती है, नृत्य करती है। और ऐसा भी सुना है हमने कि यहाँ डायने जो है कुछ जानवर बना देती थी किसी को, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी बना देती थी, और भी कई चीज़ें सुनी है। और आज भी हम लोग अपने बच्चों को डराने के लिए इन सब की कहानियाँ सुनाते हैं, और हमने भी ये कहानियाँ सुनी अपने बुजुर्गों से, और हमें आज भी लोग जो है उस रात काफ़ी डरे हुए, सहमे हुए रहते हैं। और भी कई चीज़ें हैं जो जिससे जो है यहाँ जनसर बावरों में कई प्रचलित कहानियाँ हैं। वास्तविकता क्या है माँ, क्या मानते हैं आप लोग? वास्तविकता देखो, जो आज की डेट में है, हम तो खाली बुजुर्गों से सुना है वास्तविकता, और पहले जब जो सुना है पहले घटित होता होगा वही वास्तविकता है। घिटिया थात पर पहुंचने के बाद वहां कुछ अवशेष जरूर मिलते हैं, लेकिन उन्हें देखकर ये कह देना कि यहां चुड़ैलों का मेला लगता होगा अंधविश्वास को बढ़ावा देने के बराबर होगा। इस बात को यहां के युवा भी कहते हैं कि हो सकता है कि सदियों पहले यहां कुछ हुआ हो, लेकिन अब चुड़ैलों का मेला लगने की बात पर लोगों का यकीन कम होता जा रहा है। लेकिन जिस तेजी के साथ यहाँ से जुड़े डर को खत्म होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और यही डंकन थात से जुड़े डर का डार्क साइड है।